दोस्तों आईपीएल 2024 में तो गुजरात टाइटंस का फॉर्म अच्छा नहीं रहा, लेकिन क्या आईपीएल 2025 में बेन स्टोक, मोइन अली ऐसे खिलाड़ी जो है गुजरात टाइटंस में देखने को मिल सकते हैं? इन सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप ऐसे खिलाड़ियों की जो दोस्तों गुजरात टाइटंस 2025 के ऑक्शन में टारगेट कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए इस ब्रो का कमेंट आया था, बेंटेन नाम है, एक बार नहीं दो बार आया दोस्तों, तो मैंने सोचा वीडियो बनाना ही होगा। तो दोस्तों आपको अगर आपकी टीम पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों नंबर 5 पे जो खिलाड़ी आते हैं वो है वेंकटेश अय्यर। देखिए दोस्तों वेंकटेश अय्यर एक ऐसे खिलाड़ी है जो बेस्ट बैट्समैन है, और मेरे हिसाब से दोस्तों इनसे बेस्ट बैट्समैन गुजरात टाइटंस को नहीं मिल सकता है। और दोस्तों दूसरा रीजन तो ये है ना कि इनका फॉर्म जो है इस ग्राउंड पे बहुत बढ़िया रहता है। अहमदाबाद के इस ग्राउंड पे जो है इन्होंने बहुत ज्यादा रन बनाए हुए हैं। और दोस्तों अगर एग्जांपल आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से क्वालिफायर 1 में जो है इस साल के इन्होंने जो है अहमदाबाद पे ही 50 रन लगाए। ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ऐसे खिलाड़ियों को ज्यादा टीमें टारगेट करती है जो दोस्तों इनके ग्राउंड्स पे जो है ज्यादा से ज्यादा बेस्ट फॉर्म दिखाते हैं, ऐसे खिलाड़ी को जो है टारगेट करते हैं। और मेरे हिसाब से टारगेट लिस्ट में जो है ये मेरे हिसाब से रहेंगे, और दोस्तों गुजरात टाइटंस इन्हें जरूर टारगेट करेगी। दोस्तों नेक्स्ट खिलाड़ी की हम बात करते हैं जो है दोस्तों मोइन अली। मोइन अली एक ऐसे खिलाड़ी है दोस्तों जो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑलराउंडर है, और साथ ही साथ दोस्तों मेरे हिसाब से जो है इन्होंने जो है इस साल इस ग्राउंड पे दोस्तों बेस्ट फॉर्म दिखाया था। और दोस्तों और जो इनके बारे में एक बेस्ट बात है वो है दोस्तों इनकी स्पिन बॉलिंग, क्योंकि दोस्तों बेस्ट स्पिनर बॉलर है, और मेरे हिसाब से दोस्तों इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन जो है गुजरात टाइटंस को नहीं मिल सकता है। यहाँ जो ये ग्राउंड है दोस्तों इनका होम ग्राउंड, स्ट्रक्टिव बैट्समैन चाहिए जो दोस्तों रन बनाए, और ऐसे वैसे नहीं बनाए जो दोस्तों बेस्ट बनाए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इनसे बेस्ट ऑलराउंडर इनको नहीं मिल सकता है, इनको जरूर टारगेट करेगी गुजरात टाइटंस ऑक्शन में आईपीएल 2025 के, और ये टारगेट लिस्ट में जरूर रहेंगे क्योंकि दोस्तों ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों बेस्ट बैटिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पे जो खिलाड़ी आते हैं वो है डेरल मिचेल। डेरल मिचेल दोस्तों एक ऐसे खिलाड़ी है दोस्तों जो मेरे हिसाब से बॉलिंग बैटिंग दोनों कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा कि इनको जो है ऐसे बैट्समैन चाहिए जो दोस्तों रन बना सके, जो दोस्तों बेस्ट रन बना सके, और ऐसे बना सके जो दोस्तों कम बॉल्स में ज्यादा रन बना सके। तो मेरे हिसाब से डेरल मिचेल जो है इस ग्राउंड पे दोस्तों बेस्ट फॉर्म दिखा चुके, और मेरे हिसाब से इनको टारगेट जरूर किया जाएगा। और एक जो रीजन है दोस्तों इनको टारगेट किया जाएगा वो है दोस्तों गुजरात टाइटंस के पास ना बॉलर बहुत बढ़िया है, मोहम्मद शमी, रशीद खान ऐसे इनके पास खिलाड़ी है, तो दोस्तों इनको बैट्समैन की जरूरत है। हारे दोस्तों इस साल इसी की वजह से हारे क्योंकि दोस्तों इनके पास बैटिंग में कोई नहीं, बैटिंग में इनका बेस्ट फॉर्म नहीं दिखा, दोस्तों ये बैट्समैन जरूर टारगेट करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो खिलाड़ी है वो है बेन स्टोक। देखिए दोस्तों बेन स्टोक की जरूरत जो है इस टीम को होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा कि दोस्तों इनको जो है बैट्समैन की जरूरत है, और मेरे हिसाब से इनसे बेस्ट बैट्समैन इनको नहीं मिल सकता है जो कि मैच विनर है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों दे देते हैं, ऐसे खिलाड़ी कम ही खेलते हैं। दोस्तों इनको टारगेट जरूर किया जाएगा, और दोस्तों हर टीम के टारगेट में रहेंगे क्योंकि दोस्तों ये खिलाड़ी ऐसे है बस दोस्तों ये नाम दे दे ऑक्शन में इनको कोई ना कोई टीम खरीदेगी। और दूसरी बात तो ये है दोस्तों इनकी जरूरत है गुजरात टाइटंस को, बस इनको खरीदना चाहिए। और दोस्तों हार्दिक पांड्या की जो रिप्लेसमेंट हो सकती है इनसे बेस्ट नहीं हो सकती, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इनको टारगेट जरूर किया जाएगा, दोस्तों ये टारगेट जरूर करेंगे इनको। और दोस्तों नंबर 1 पे जो खिलाड़ी आते हैं वो है दोस्तों ईशान किशन। देखिए दोस्तों इनके रीजन ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक ऐसे खिलाड़ी चाहिए गुजरात टाइटंस को जो कि वृद्धिमान सहा रिप्लेसमेंट हो, मुंबई इंडियंस इनको रिलीज जरूर करेगी। लेकिन दोस्तों जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो ये है दोस्तों बैटिंग बहुत बढ़िया कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से दोस्तों अहमदाबाद का जो ग्राउंड है यहाँ दोस्तों ये बेस्ट बैटिंग कर सकते हैं, तो इनको रिलीज किया जाएगा। और शुभमन गिल के साथ ईशान किशन की कैसी बनती है सबको बताइए, और दोस्तों लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और दोस्तों मेरे हिसाब से जो है ये बेस्ट डिस्ट्रक्टिव ओपनर्स हो जाएंगे जो दोस्तों बेस्ट रन बना सकते हो, तो दोस्तों मेरे हिसाब से इनको टारगेट जरूर किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया टॉप 5 ऐसे खिलाड़ी जो दोस्तों गुजरात टाइटंस 2025 के ऑक्शन में टारगेट कर सकते हैं। कमेंट कीजिए दोस्तों, मुझे बताइए कौन सी टीम पे वीडियो बनाना है, मैं बना दूंगा। वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।